गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जब मुझे डिएक्शन के बारे में बताया गया था तो मैं मन में सोचा कि ये उल्लू का पट्टा मुझे भी उल्लू समझ रहा है। सर्व रोग निवारण शक्ति जी जी, सब रोगों की एक दवा है जी। क्या बात कर रहा है, कैसे हो सकता है, ये मेरे को फंसा रहा है जी। ठीक है, फिर गोमान सिंह करके हमारी एक इमीडिएट स्पॉन्सर है, अच्छा। उसके साथ वो मारवाड़ी बंदा आया था, अच्छा। उनका यार ये बंदा तो सीधा साधा है और अगर ये बोल रहा है तो साला कुछ तो इसमें तो है। चलो देखा जाए। मैंने अपनी माता जी को देना चालू किया, उनका इंसुलिन बंद हुआ, ये मेरे लिए पहला झटका भाई। इसमें है कुछ तो है, कुछ तो है। अब मुझे एक कार्डियोलॉजिस्ट ने बताया कि कभी भी तुमको अटैक आ सकता है, तुरंत एडमिशन ले लो जी। और उस वक्त मेरा थायराइड कमला मित्तल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से ठीक हुआ था, अच्छा। एलोपैथी में यह है कि ऑपरेशन के बाद भी, ऑपरेशन ना कराओ तो भी जीवन भर आपको गोलियां खानी पड़ती है थायराइड की परेशानी में। तो मेरा जड़मूल से खत्म हुआ, टाटा मेमोरियल के डॉक्टर ने बताया, दो बार चेकिंग हुई और बोला कि आप ठीक हो गए, आपको गोली लेने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं। मैंने कहा वाह, ये चमत्कार मैंने देखा था, आयुर्वेद पे मेरा विश्वास बढ़ गया था। तो मैंने कहा यार ये आयुर्वेद तो कमाल का है, आयुर्वेद का राजा, बाकी मैं राजा जी। तो ये हुआ कि मुझे कहा गया इमीडिएट एडमिशन ले लो। मैंने कहा सर मेरा बिजनेस है, फैमिली है, मैं इमीडिएट तो नहीं, दो दिन मुझे दे दो आप, मैं परसों आता हूँ, अच्छा। और मैं कुछ ऐसा नहीं करूँगा जिससे मुझे अटैक आवे, आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ जी। ओके। और दूसरे दिन डॉक्टर एस रंजन अपोलो हॉस्पिटल के चीफ कार्डियोलॉजिस्ट MBBS MD DM जो हमारी अपलाइन भी है, लेकिन उनका एक सेमिनार, उनका इतने बड़े डॉक्टर और वो आयुर्वेद के बारे में बताएंगे जी। और आयुर्वेद पे मेरा विश्वास तो बढ़ चुका था। उनका चलो ऊपर वाले ने सही समय पे सही आदमी को भेजा है, मैं गया और इस तरह से रिएक्शन में मेरा जन्म हुआ। उन्होंने वहां बताया कि ये कैसे काम करता है। मैंने कहा सर यही तो मुझे चाहिए, यही चाहिए, और मैं खाना चालू किया। अब मैं आपको बताऊं, मुझे एक डिटेक्शन क्लिनिक का कैंप था बोन डिटेक्शन का, उसमें मुझे बताया गया ऑस्टियोपोरोसिस, आपके घुटने के जो बोन्स है वो डिजेनरेट हो गए, सड़ गए हैं, दो साल बाद आप चल नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा यार अभी उठ के मारूंगा तुमको, मैं चल नहीं पाऊंगा। बोले यार इतना यार दवा के तुम दवा बेचना चाहते हो, इलाज कराना चाहते हो, ये गलत है। बोले नहीं, हम तो जो आया है वो आपको कराना है, ठीक नहीं कराना है आपकी मर्जी, हम तो जबरदस्ती नहीं कर रहे। मैं तो बोल रहा हूँ मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तो केवल आपको बता रहा हूँ, आप डॉक्टर के परामर्श से अगर कुछ लोगे तो कुछ दिन ज्यादा चल पाओ जी, जी। आप वो मैं लेता था आरटीजीएल सुनना, धीरे धीरे करते करते एक प्रॉब्लम दो प्रॉब्लम मेरा ठीक हुआ और मेरा ये घुटनों का दर्द भी कम होने लगा, मैं चलने फिरने लगा, थोड़ा मेरे को और शक्ति अनुभव हुआ। इस तरीके से ये आज ये आलम है कि मैं दौड़ सकता हूँ, चलने की बात है। ये चमत्कार बहुत सारे मेरे जीवन में आया, बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने दिया और उनको नया जीवन मिला।